दोस्तों रीडिंग मॉप सभी फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है शुभजीत और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ आज का टॉपिक क्या है। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है शॉपशी। ठीक है, ये फ्लिपकार्ट का एक नया एप्लीकेशन है और इसमें दोस्तों आप लोग जो भी सारे फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स हैं उनको आप लोग किसी को शेयर कर सकते हो या फिर किसी को रिकमेंड कर सकते हो और वो अगर वो चीज़ खरीदना चाहे तो उनके बिहाफ में आप लोग उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो और उसके बदले में आपको यहाँ पे कुछ कमीशन आपको मिल जाती है आपके वॉलेट पे और उसको आप लोग अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये जो मॉडल है कुछ कुछ मीशो जैसा है, अगर आपने मीशो का नाम सुना होगा तो ये शॉपशी एप्लीकेशन है कुछ उसी तरीके से काम करता है। यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट का सपोर्ट मिल जाता है, फ्लिपकार्ट का जितने भी सारे फीचर्स है, मतलब कि फ्लिपकार्ट में जैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं या फिर दोस्तों फ्लिपकार्ट में जैसे आपका रिटर्न जल्दी जल्दी हो जाता है, ऑर्डर आपका ठीक टाइम पे पहुंचता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। मतलब कि फ्लिपकार्ट का जो भरोसा था वो आपको यहाँ पे मिलता है। इसलिए दोस्तों आप लोग बेझिझक होकर यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, मैंने यहाँ पे दोस्तों कैसे आपको ऑर्डर प्लेस करने से लेकर आपको ऑर्डर कैंसिल करना या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको कैसे प्रोडक्ट को शेयर करना होता है वो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको अंत में कुछ बोनस ऐसे टिप्स दिए हैं जिनको इस्तेमाल करके कोई भी प्रोडक्ट को आप लोग अपने किसी भी दोस्त को या फिर रिलेटिव को वहाँ पे सेल कर सकते हो या फिर आपके जो कोवर्कर्स हैं उनको आप लोग सेल कर सकते हो। मतलब कि सेल करने का मतलब कि उनको रेफर कर सकते हो और बोल सकते हो कि आप लोग मुझसे अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको ये चीजें फायदा पहुंचेगी। ठीक है, तो उसको जानने के लिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको शॉपसी एप्लीकेशन है इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है और इसको यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर है उससे रजिस्टर कर लेना है। आप लोग कोई भी मोबाइल नंबर पे डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे नीचे ये वीडियोस वगैरह दिखते होंगे, इसको आपको यहाँ पे कार्ड देना है। अगर आप लोग शॉपसी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियोस देख सकते हैं, पर देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे समझाने वाला हूँ सारी चीजों को। दोस्तों यहाँ पे आपका अगर अकाउंट क्रिएट हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ कि आप लोग कैसे दोस्तों यहाँ पे अपने जो प्रोडक्ट है उनको शेयर कर सकते। इसको करना बहुत ही ईजी है, आपको बस यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है, उसके बाद दोस्तों उस चीज को आपको व्हाट्सएप पे या फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक कुर्ती देख सकते हो, ये वाला जो येलो कुर्ती है, मैं अगर आप लोग सिलेक्शन करके दिखाता हूँ तो अगर मैं इस कुर्ती को अगर शेयर करना चाहूँ तो नीचे मुझे शेयर का बटन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको दो तरीके के शेयर बटन मिलते हैं, एक है डायरेक्ट व्हाट्सएप का और यहाँ पे एक और शेयर बटन है, इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग जितने भी सारे एप्लीकेशन है जैसे कि यहाँ पे आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ये सारी चीजें आ जाती है और आप लोग चाहो तो गैलरी है वहाँ पे दोस्तों आप लोग अपना जो इमेजेस है उनको सेव करके रख सकते हो ताकि बाद में आप लोग उस इमेज को किसी को शेयर करो या फिर किसी को दिखाओ। और एक डायरेक्ट बटन है जिसपे आप लोग अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएगा। तो आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट है उसके इमेजेस और जो डिटेल्स है उसको यहाँ पे सिलेक्शन करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप लोग इसके वेरिएंट को दिखाना चाहते हो, मतलब कि कौन से और कलर्स हैं वो अगर आप लोग दिखाना चाहते हो तो इसको आप लोग सिलेक्शन कर लीजिए। ये सारे इमेजेस जो है आपके फोन पे डाउनलोड हो जाएंगे, उसके बाद व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पे नहीं करता हूँ अभी। अगर आप लोग सिर्फ यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट है उसको दिखाना चाहते हो उसके जो इमेजेस है तो उसको आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए। उसके बाद इसके जो डिटेल्स हैं अगर वो आप लोग यहाँ पे बताना चाहते हो कि कौन से साइजेस हैं और दोस्तों लेंथ कितना है और सारी चीज़ें कलर कौन से अवेलेबल हैं तो उसको आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए। उसके बाद शेयर व्हाट्सएप पे क्लिक कीजिए, जो इमेजेस है वो डाउनलोड हो जाएंगी। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपना कोई भी कॉन्टैक्ट सिलेक्शन कीजिए जिसको आप लोग भेजना चाहते हो, उसको भेज दीजिए इमेजेस। उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से बैक करके शॉपसी ऐप पे आना है तो वहाँ पे आपका जो डिटेल्स है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा और उसको आपको यहाँ पे उसी कॉन्टैक्ट को दोबारा से शेयर कर देना है। तो ये आपके जो डिटेल्स हैं यहाँ पे शेयर हो गया। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, दोबारा से आपका जो शॉपसी एप्लीकेशन है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाने के बाद आपको बैक कर लेना है। तो यहाँ पे समझिए कि जो प्रोडक्ट है वो आपके जो कस्टमर है या फिर दोस्तों आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने देख लिया और उनको पसंद आ गया। अभी वो लोग बोल रहे हैं कि आप ये जो ऑर्डर है इसको प्लेस कर दीजिए। तो वो आप लोग कैसे करोगे, मतलब कि बेसिकली आप लोग कैसे ऑर्डर को कैसे प्लेस करोगे, जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोग फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर प्लेस करते हो उसी तरीके से यहाँ पे भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आपको यहाँ पे बस एक छोटा सा यहाँ पे ट्विक है जिसको मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग इस कुर्ती को यहाँ पे ऑर्डर करते हैं। हम लोग इसको ऐड टू कार्ट करेंगे, उसके बाद इसका साइज सेलेक्शन करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये मेरे कार्ट पे आ जाएगा तो हम लोग कार्ड पे चले जाएंगे, गो टू कार्ड पे क्लिक करके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है जो आप लोग यहाँ पे खुद से अपना प्राइस यहाँ पे सेट कर सकते हैं, मतलब कि आपका जो कुर्ती समझिए कि 294 का है तो आप लोग इसको कुर्ती को ज़्यादा कीमत पे भी बेच सकते हैं और जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो आपका कमीशन हो जाएगा, जो आपकी अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर इसको 400 में बेचूँ तो मुझे यहाँ पे 106 का यहाँ पे
अर्निंग जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब कि इसका ये जो है मेरा कमीशन हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 400 रुपये में सेल कर पाया, जो कि शायद मैं आसानी से कर दूंगा, उसके बाद मुझे यहाँ पे 106 रुपये मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। नीचे जो है मेरे जितने भी एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो एड्रेस आप लोग नया भी डाल सकते हो, अगर आपका कोई नया कस्टमर है तो उसका एड्रेस आप लोग डिटेल्स आप लोग व्हाट्सएप पे ले लीजिए, उसको यहाँ पे ऐड करके ऑर्डर को प्लेस कर दीजिए। और अगर आपका जो एड्रेस है वो ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है तो उसको सिलेक्शन करके डिलीवरी पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको जितने भी सारे डिटेल्स हैं, मतलब कि आपका अर्निंग कितना है और दोस्तों आपको कोई कूपन वगैरह अगर यहाँ पे है तो वो अप्लाई हुआ है कि नहीं, डिस्काउंट कितना मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। डिलीवरी चार्जेस लग रहा है कि नहीं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर दोस्तों आपने पेमेंट ले लिया है तो आप लोग यहाँ पे आपको पेमेंट जो है ऑनलाइन कर देना होगा, ठीक है। तो कस्टमर को दोबारा से वहाँ पे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्तों कस्टमर यहाँ पे डिमांड करता है कि मुझे कैश ऑन डिलीवरी लेना है, तो आप लोग कैश ऑन डिलीवरी को सिलेक्शन करके यहाँ पे ऑर्डर को पेश करते हो। यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। एक है, अगर दोस्तों आप लोग पेमेंट पहले से ले लेते हो तो आपका जो कमीशन है आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा, क्योंकि आपने जो यहाँ पे पेमेंट है वो ले लिया है। और दोस्तों वो अगर रिटर्न नहीं करता है तो आपका जो वो कमीशन है वो आपके पास ही रह जाएगा। और दोस्तों अगर वो कैश ऑन डिलीवरी करता है तो कैश ऑन डिलीवरी में ये होता है कि जब तक वो वहाँ पे पेमेंट नहीं करता तब तक आपका जो कमीशन है वो पेंडिंग रहता है एक तो। उसके बाद जब उसका रिटर्न जो पीरियड होता है वो 14 दिन का हो सकता है, 10 दिन का हो सकता है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तो आपका जो पैसा है आपके पास मतलब आपके वॉलेट पे नहीं आएगा। तो उसका जो पूरा रिटर्न पीरियड है वो ख़त्म होने के बाद 2 से 3 दिन में आपका जो पैसा है आपके वॉलेट पे आएगा, और वॉलेट पे आने के बाद आपको आपका जो बैंक अकाउंट है वो वहाँ पे ऐड करना होगा, और उसके बाद आप लोग उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऑर्डर को प्लेस करता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कोड डालूंगा तो मेरा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। उसके बाद एक कन्फर्मेशन कॉल आएगी जिसको आपको यहाँ पे आंसर करके उसका जो कन्फर्मेशन ऑर्डर का उसको कर देना है, तब दोस्तों आपका जो ऑर्डर है यहाँ पे सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। और दोस्तों आपका जो कस्टमर होगा उसके नंबर पे जो सारे ऑर्डर के डिटेल्स है वो वहाँ पे चले जाएंगे और वो भी वहाँ पे कन्फर्म हो जाएगा कि उसका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप लोग ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हो, मतलब कि आपका जो कस्टमर है या फिर आपका जो दोस्त है वो बोल रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है अभी वो नहीं लेना चाहता है, तो आप लोग प्रोडक्ट को जो है कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आप लोग एकदम होम पेज पे आ जाओगे, यहाँ पे आपको ऑर्डर्स नाम का एक टैब मिलेगा, इस पे जाओगे। तो अगर आपने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया है तो उसको आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन करोगे। सिलेक्शन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको कैंसिल का ऑप्शन मिलता है, आप लोग कैंसिल पे क्लिक करोगे और ये वाला जो ऑर्डर है उसको आप लोग कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद अगर आपने पेमेंट कर दिया था तो आपका जो पेमेंट है आपके वॉलेट पे या फिर आपके अकाउंट पे दोबारा से रिफंड हो जाएगा, और अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी किया था तो वहाँ पे कोई रिफंड का बात नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग अपना जो प्रोडक्ट है उसको ऑर्डर करने के बाद अगर कस्टमर बताए या फिर आपका दोस्त या फिर आपके कोई रिलेटिव अगर आपको बताए कि वो ऑर्डर नहीं लेना चाहता है तो वो ऑर्डर को कैंसिल करना चाहता है, तो आप लोग इस तरीके से कैंसिल कर सकते हो। इसके बाद आप लोग अर्निंग पे जाओगे तो यहाँ पे आपके अगर कोई अर्निंग यहाँ पे पेंडिंग था, मतलब कि जो ऑर्डर आपने प्लेस किया था वो पेंडिंग था, वो यहाँ पे जीरो हो जाएगा या फिर आपका जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे दिखाएगा आप। तो ये नया अकाउंट है इसलिए ये जीरो दिखा रहा है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा आइडियाज देने वाला हूँ कि आप लोग कैसे यहाँ पे अर्न कर सकते हो, ठीक है। आप लोग होम पेज पे चले जाओगे, यहाँ पे दोस्तों आपको 2-3 तरीके हैं यहाँ पे अर्न करने के लिए। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट उठाते हो, जैसे कि मोबाइल, आप लोग कोई स्मार्ट वॉच ले लीजिए, तो यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक फिक्स इनकम मतलब कि फिक्स जो अर्निंग है वो यहाँ पे मिल जाती है किसी प्रोडक्ट में। जैसे आपका ग्रोसरीज हो गया, अगर आप लोग कोई ग्रोसरीज प्रोडक्ट यहाँ पे किसी के लिए ऑर्डर करते हो, आप लोग ग्रोसरीज पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे जो फिक्स एक अर्निंग है वो यहाँ पे मिलती है। जैसे दोस्तों अगर मैं इस मैगी के इस पैक को ऑर्डर करूँ तो मुझे यहाँ पे 6 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और दोस्तों एक और चीज़ होता है जिसमें आप लोग अपना जो मार्जिन है उसको ऐड कर सकते हो। तो मैं बताऊंगा आपको कि आप लोग जो मार्जिन वाला जो आइटम है उसको आप लोग ज़्यादा सेल करो तो आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग कोई भी ड्रेस, कुर्ती, अगर आप लोग कोई शू या फिर दोस्तों आप लोग कोई ऐसे फैशन एक्सेसरीज, ऐसे आप लोग जो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग वो उसको बेचते हो, मतलब कि उसको अगर आप लोग ऑर्डर करते हो, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे खुद से अपना जो मार्जिन है उसको ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, आप लोग अपना जो मार्जिन है उसको कंट्रोल कर सकते हो और इससे दोस्तों आपकी जो अर्निंग है वो ज़्यादा होगी। और एक टाइप का यहाँ पे ऑप्शन है जो कि रेफरल प्रोग्राम ये लोग चलाते हैं, जिसमें अगर दोस्तों आप लोग किसी भी दोस्त को, अगर आपके किसी भी रिश्तेदार को अगर ये एप्लीकेशन शेयर करते हो और वो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है, यूज़ करता है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या फिर किसी और के लिए प्रोडक्ट
को खरीदने के लिए जैसे आप लोग कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे एक रेफरल इनकम जनरेट होती है। तो वो यहाँ पे जब भी यहाँ पे मिनिमम अगर 200 रुपए का भी ऑर्डर करता है तो आपको यहाँ पे 150 रुपए मिल जाते हैं। तो ये जो है एक बार के लिए, अगर आप लोग किसी एक पर्सन को यहाँ पे रेफर करते हो, वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है, उसको यूज करता है, वहाँ पे 200 रुपए का मिनिमम एक ऑर्डर प्लेस कर देता है, तो वो लोग दोस्तों यहाँ पे उस प्रोडक्ट को वहाँ से ले लेंगे और उनको जो है वो 50 रुपए का एक बोनस मिलेगा और आपको यहाँ पे 150 रुपए का एक बोनस मिल जाएगा। जितने लोगों को आप लोग रेफर करोगे उतनी आपकी अर्निंग यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी। इसको शेयर करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है, शेयर बटन मिल जाता है, आप लोग शेयर पे क्लिक करके इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो। और डायरेक्टली व्हाट्सएप पे करना चाहते हो उसके लिए अलग से एक बटन दिया हुआ है, आप लोग उस पर क्लिक करके किसी भी कॉन्टैक्ट को ये जो ऑप्शन है इसको शेयर कर सकते हो। नीचे आपको यहाँ पे जो लिंक मिल जाता है, इस लिंक पे क्लिक करके वो अगर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता है, इसको यूज़ करता है, तो आपको यहाँ पे आपके जो 150 रुपये हैं वो मिल जाएंगे। और एक तरीका है दोस्तों, यहाँ पे अगर आपके पास जो एक्सिस बैंक का, फ्लिपकार्ट का जो क्रेडिट कार्ड होता है वो अगर आपके पास होता है, तो दोस्तों आप लोग अपने जो दोस्त हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, या फिर आपके आसपास जो आपके कोवर्कर्स हैं, उनको आप लोग बोल सकते हो कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप लोग जो है वो प्रोडक्ट जो भी आप लोग खरीदोगे वो उसको डिस्काउंट में दोगे। वो आप लोग कुछ भी डिस्काउंट दे सकते हो उनको, 50 रुपये का डिस्काउंट दे सकते हो, ठीक है। आप लोग एक बार मार्जिन को ऐड कर लीजिए, मार्जिन पे आप लोग अपना जो 50 रुपये या फिर 100 रुपये उनको छूट दे दीजिए और बोलिए कि मेरे पास ये वाला जो कार्ड है और मैं आपको यहाँ पे 50 रुपये का जो डिस्काउंट है वो ला के दूंगा। वैसे तो वो लोग अगर खुद से खरीदते तो उनको फुल पेमेंट करना होता, पर वो आपसे खरीद रहे हैं इसलिए वो वहाँ पे 50 रुपये या फिर 100 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट को मिल जा रहा है। इसी तरीके से वो लोग जो है आपसे ज़रूर खरीदेंगे क्योंकि आप उनको 50 रुपये पे 100 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हो। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो अपनी अर्निंग है उनको इंक्रीज कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे मेरे जो ओपिनियन है वो बताता हूँ। ये जो एप्लीकेशन है बहुत ही फ्लूइड और बहुत ही रेस्पॉन्सिव एप्लीकेशन है। दोस्तों ने इस एप्लीकेशन को यूज़ किया है, यहाँ पे जो जितने भी फ्लिपकार्ट के जो ग्रोसरीज प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो भी यहाँ पे क्लोथिंग्स है, फैशन एक्सेसरीज है, सारे जो चीज़ें यहाँ पे आ जाती है और बिल्कुल भी यहाँ पे लैग नहीं करता है। बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है और ऐसा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद आपकी जो भी अर्निंग्स होगी वो आप लोग बहुत ही आसानी से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, उस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पे 100 रुपये मिनिमम होना चाहिए, मतलब कि 100 रुपये से नीचे अगर आपकी अर्निंग यहाँ पे होगी, 50 रुपये का अगर अपने अकाउंट पे ट्रांसफर करना चाहो तो वो नहीं कर सकते। आपको मिनिमम 100 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट आपका वॉलेट पे होना चाहिए, तब जाके आप लोग उसको अपने अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकते हो। तो आखिर में आपको ये जो एप्लीकेशन है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जो ओवरव्यू है उसको दे देता हूँ। इस एप्लीकेशन को आप लोग यहाँ पे नीचे आपको एक होम बटन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप लोग जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देख सकते हो। कोई ऑफर वगैरह अगर चल रहा है तो वो सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे एक लूट स्टोर है, यहाँ पे ये जो सस्ते सस्ते सामान यहाँ पे आपको देखने होंगे, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आपको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, तो शेयर पे अगर आप लोग क्लिक करते हो तो आपने जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शेयर किए होंगे, जो भी इमेजेस शेयर की होंगी, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। उसके बाद आता है अर्निंग टैब। अर्निंग टैब पे जाके आप लोग अपने जो भी कमीशन आपने अर्न किए हो वो देख सकते हो और यहाँ पे अपना जो अर्निंग्स है उसको आप लोग विड्रॉल कर सकते हो और बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हो। आप लोग ये जो बड़ा सा बैंक अकाउंट वाला बटन देख रहे हो, अभी मैं इसको ऐड नहीं करने वाला हूँ। आप लोग अपना जो एड्रेस है उसको दे दीजिए, उसके बाद अपने जो बैंकिंग डिटेल्स है, जैसे कि अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। जब आप लोग अर्न करने लग जाओगे उसके बाद ये ऐड कर लीजिएगा बाद में। उसके बाद ऑर्डर का ऑप्शन आता है, ऑर्डर पे आप लोग जो भी ऑर्डर करते हो तो वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। उसके बाद अकाउंट का ऑप्शन है, अकाउंट पे आपके जितने भी सारे अकाउंट रिलेटेड डिटेल्स हैं, जैसे कि आपका नंबर, ईमेल, या फिर आपका बैंक अकाउंट, या फिर दोस्तों आपका जो विशलेषण है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती हैं। और अगर आप लोग शॉपसी पे सेल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग सेल ऑन शॉपसी पे क्लिक कर सकते हो, उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट का सेलर अकाउंट है उसको रजिस्टर कर सकते हो और वहाँ पे अगर आप लोग सेल करते हो तो वो ऑटोमेटिकली शॉपसी पे आ जाता है। आप लोग इसको यहाँ पे अलाउ कीजिएगा, इसके बाद अपना नंबर डाल के, अपना जो ईमेल एड्रेस डाल के, अपना नाम डाल के आप लोग साइन अप कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपके जो डिटेल्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पे डालनी होंगी। तो यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद आप लोग अपना जो प्रोडक्ट है उसको फ्लिपकार्ट पे और शॉपसी दोनों ही प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो, मतलब कि बेच सकते हो और खूब सारे पैसे कमा सकते हो। तो अभी मैं इसको यहाँ पे दिखाने वाला नहीं हूँ, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है, इन्फॉर्मेशन का
थोड़ा ओवरलोड हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो से कुछ सीखा हो आपने, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो बेकार बैठे हुए यहाँ पे जो पबजी वगैरह गेम खेल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे काम धाम कर ले। और दोस्तों अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। उनको अगर कोई प्रोडक्ट अगर चाहिए, वो यहाँ पे आप लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि आप लोग ये वाला प्रोडक्ट लीजिए, बहुत ही अच्छा है अगर आप लोग उस पे बारे में जानते हो। और आखिर में अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों इसी तरीके के जो बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।